Well, I learned a lot through past life regression therapy. मुझे जब भी मैंने past life regression therapy use करी है, I have understood so many lessons जो लोग मुझे सिखाते हैं अपनी stories के through. कितने complicated emotions होते हैं, कितनी सारी चीजें हैं जो soul level पे हम सीखते हैं, समझते हैं और उससे हम अपनी life transform करते हैं. So past life regression therapy आपको empower करती है, आपको ताकत देती है कि आप अपनी उलझने सुलझा सके. सो अगर आप ये थेरेपी सीखना चाहते हैं एंड आपका भी अकल्ट साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, आप लोगों को एक मीडियम बनना चाहते हैं बेसिकली, जिससे आप लोगों को एम्पावर कर सकें, आप उनको अपनी लाइफ का चार्ज दे सकें कि उनको अपनी लाइफ खुद सुधारनी है एंड यू रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ दिस थेरेपी वर्क्स, सो यू कैन ज्वाइन नाउ. रजिस्ट्रेशन आर ओपन. नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी एंड ऑल्सो आई विल शेयर as a link on this video. आप उसको देख सकते हैं और अपनी queries आप डाल सकते हैं. Well, कुछ glimpses I would like to show you from my previous past life regression batches. Here it goes. Just enjoy. बहुत balance हो जाता है, जरूरत से ज्यादा हो जाता है, तब क्या होता है, क्या होगा, मतलब एनी आइडिया व्हाट विल हैपन क्विकली? बॉडीज, आप अलग अलग बॉडीज चूज कर सकते हो. इट इज नॉट नेसेसरी कि आज जो आपने पेरेंट्स चूज करे हैं अगली लाइफ में वही पेरेंट्स चूज करोगे. यू नो वो गूज़बम्स आ रहे हैं, मेरे पास कोई क्वेश्चंस नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग. और लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू एंड योर सिस्टर, योर फैमिली. इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी. अगर आपका कुछ कार्मिक लेना देना रहता है तो आप उनको चूज करोगे. अगर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, देन यू माइट चूज समवन एल्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक्टिंग की फील्ड में जाना है, सो नेक्स्ट टाइम में आपकी सोल चाहती है कि नहीं, आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर. नेक्स्ट लाइफ में इट कैन चूज, इट विल चूज रादर दोज पीपल हु आर ऑलरेडी एक्टर्स, मतलब पेरेंट्स ही एक्टिंग में है, तो आप उधर बर्थ ले लोगे. So we have this different lessons that we choose for ourselves. जो हम नहीं चूज कर पाते उन lessons को हमें guidance मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए अगर हम नहीं कर पा रहे हैं. So हमारे guardian angels जो हमारे ancestors हैं, ascended masters हैं, they help us choose the right lessons. But again, it is all dependent upon us if we want to pursue it or we don't want. क्योंकि वो हमारा भी गुरु है, उसको पता है कि इंटेंशन नहीं होगा बट इसको अभी जरूरत इसकी है, तो वो वहां से फ्लिप कर सकता है. चांसेस फिर भी हैं, इंटेंशन तो है ही, मैटर करता है नो डाउट, बट फ्लिप भी हो सकता है. व्हेन बैलेंस्ड, जब हमारी स्पिरिचुअल बॉडी बैलेंस होती है तब क्या होता है, यू आर वेरी काम, कंपोज रहते हो, डर नहीं लगता है किसी भी चीज से आपको, और आपके अंदर ग्रेटिट्यूड भरा रहता है. ओ माय गॉड, दिस इज, आई हैव ग्रेटिट्यूड फॉर माय हाउस, आई हैव ग्रेटिट्यूड फॉर द फूड आई ईट, जो भी मेरे को हेल्पर्स हैं सबके लिए ग्रेटिट्यूड भरा रहता है. आप कंप्लेंट्स नहीं करोगे, आपके अंदर ग्रेटिट्यूड बढ़ जाएगा. यू हैव अ पॉजिटिव लाइफ फोर्स, वेयर एवर यू गो यू विल इन्फ्लुएंस पीपल. आप